ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब लाइट फॉल्स होती है मेटल सरफेस से तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जिसके बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेनार्ड्स ने डिस्क्राइब करा और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जब यूवी लाइट फॉल्स होती हैं नेगेटिव प्लेट पे तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट के थ्रू क्या अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। जब पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, जिससे करंट फ्लो होने लगता है और इस टाइप से जो करंट फ्लो होता है उसको फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यही यूवी लाइट अगर पॉजिटिव प्लेट पे गिराई गई तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, यानी ये जब लाइट गिराई गई पॉजिटिव प्लेट पे तो नेगेटिव लाइट्स थी तो ये पॉजिटिव के थ्रू एब्जॉर्व कर ली गई और जिससे एक सर्किट कंप्लीट नहीं हुई और किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं हुआ। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? जब यूवी लाइट्स नेगेटिव प्लेट पे गिराई जाती हैं और ये पॉजिटिव प्लेट इनको अट्रैक्ट कर लेता है जिससे सर्किट कंप्लीट होती है। नाउ हियर इज द लेनार्ड्स एंड हर्ड्स एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन इज गिवन। यहाँ कंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है लेनार्ड और हर्ड ने जो बनाया था। इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं दो मेटेलिक प्लेट्स हैं P1 और P2, जहाँ P1 कैथोड प्लेट है और इसी के सामने एक विंडो बनी है जिसको क्वार्ट्ज विंडो कहते हैं। ये दोनों ही प्लेटें कम्यूटेटर C के थ्रू माइक्रो एम्पियर और पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्ट है। कम्यूटेटर C के थ्रू माइक्रो एम्पियर और पोटेंशियल डिवाइडर से क्या है? कनेक्ट है। इस अरेंजमेंट के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसको वैरी कर सकते हैं। कैसे? स्विच को चेंज करके। कैसे? स्विच को चेंज करके। ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम समझते हैं। नाउ इफ वी ऑन स्विच वन, मीन्स अगर हम पहले स्विच वन को ऑन कर देते हैं तो देखिएगा लाइट रेज आपकी स्क्वाड्स विंडो के थ्रू फॉल होंगी P1 प्लेट पे, जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इमिट होंगे P2 पर। P2 के थ्रू ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये स्विच ऑफ है 2, तो ये पास होंगे स्विच 1 से जो कि ऑन है। यहाँ भी स्विच 2 ऑफ है तो ये इधर की तरफ निकलेंगे और ऐसे जाएंगे बैटरी के थ्रू और ये पोटेंशियल डिवाइडर में पहुँचेंगे और फिर ये स्विच 1 ऑन है तो इसके थ्रू ये माइक्रो एम्पियर में पहुँचेंगे और P1 प्लेट पर पहुँचने पर सर्किट कंप्लीट होगी, जिससे जिस समय सर्किट कंप्लीट होगी उसी समय एक करंट फ्लो होने लगेगा और हमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी मिलेगा। तो माइक्रो एम्पियर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से करंट पास हो रहा है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलने लगेगा P2 प्लेट का। अब अगर हम P2 प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो देखेंगे इस करंट में कोई चेंज नहीं होगा, इस करंट में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तब देखते हैं कि करंट इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो इंटेंसिटी हमने बढ़ाई है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, और अब अगर
हम स्विच वन को ऑफ करके टू को ऑन कर देते हैं तो देखते हैं जो सप्लाई है पी टू प्लेट से वो टू के थ्रू डायरेक्ट पहुंच जाती है पोटेंशियल डिवाइडर के निगेटिव प्लेट पर, पोटेंशियल डिवाइडर के निगेटिव प्लेट पर। और जैसे ही निगेटिव प्लेट पर पहुँचेगी तुरंत ही इसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जो कि नेगेटिव जाएगा और करंट कम होने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा, बहुत मिनिमम हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। करंट जीरो नहीं होने का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर ये जो पोटेंशियल डिवाइडर का नेगेटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल अगर हम डिक्रीज कर दें, क्या करें, डिक्रीज करते चले जाएं, डिक्रीज करने कर के बाद मान लीजिए कि हमने पोटेंशियल डिवाइडर का पोटेंशियल वी नॉट कर दिया, जैसे ही कम करेंगे ये करंट आपका जीरो हो जाएगा, रैपिडली जीरो हो जाएगा। तो जितने वोल्टेज पे इसका करंट जीरो हो जाएगा उस वोल्टेज को यानी पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं या फिर कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी स्मॉल ई जो कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का इनटू वी नॉट जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को जिससे दिखाया गया है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ई के एंड वी नॉट इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट बढ़ता है जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ई के क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, वी नॉट क्या है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो सेकेंड कंडीशन जिसमें हमने प्लग टू को ऑन रखा था इससे ये प्रूफ होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, वो जो लाइट हम इमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, सपोज़ कीजिए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने इधर दिखाई है, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर दिखाया है, तो फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, लगभग जीरो होगा क्योंकि कोई भी लाइट इमिट नहीं हो रही होगी, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा होगा। हमने फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाई है यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाए तो देखेंगे इमिट नहीं हो रहा है। अब फ्रीक्वेंसी की एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आएगी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी शो होने लगती है, उस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ जो न्यू नॉट है उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे जो लाइट इमिट की जा रही है उसकी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे की तरफ फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाएं तो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ती जाएगी यानी एक स्ट्रेट लाइन पास होगी। इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएं तो वाई एक्सिस में हमें कुछ काइनेटिक एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में शो होगी जिसको बी से हमने डिनोट किया है, ठीक है। अब ये जो लाइन हमें मिली थी स्ट्रेट लाइन, इस पर हम अगर स्लोप खींच लें, ठीक है, एक स्लोप खींच लें जो कि इस लाइन का 60% एरिया लगभग कवर करेगा, तो उस स्लोप, वो स्लोप बढ़ रहा है किसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। तो अब ये स्लोप जो है और ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली है इसको हमने शो किया है यहाँ पर, जो काइनेटिक एनर्जी है स्लोप इनटू फ्रीक्वेंसी माइनस बी के इक्वल होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ग्राफ में ये काइनेटिक एनर्जी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी यानी ई के प्लस बी, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, स्लोप इनटू फ्रीक्वेंसी के, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है स्लोप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी ई के प्लस बी इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू ए, ई के ऐसे लिख सकते हैं, ई के प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब प्रपोजल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट न्यू के टाइप में बढ़ेगा क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ई के प्लस बी इज इक्वल टू न्यू ए, यानी ई के इज इक्वल टू आता है ए न्यू लिख सकते हैं इसको माइनस बी के टाइप में। ये हमें एक फार्मूला मिलता है ग्राफ से जहां आपकी ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है।
अब अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी एट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट कर दिया जाए, तो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी वहाँ कितनी हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। तो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट ई के इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट कर दें तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी ए न्यू नॉट। बी की वैल्यू क्या मिल जाती है, ए न्यू नॉट। इस कंडीशन में जो बी आपका आएगा, बी किसके इक्वल आया, स्लोप इंटू न्यू नॉट, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। ये मिनिमम एनर्जी होती है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। अब इस पर मिलिकन्स ने कुछ अपने लॉज दिए थे, उसको हम रीड कर लेते हैं यहाँ से। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे उनकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो लीनियरली इंक्रीज करेगी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लाइट की इंक्रीज होती चली जाएगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होती चली जाएगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। एंड देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी टाइम लैग नहीं होता इंसिडेंस लाइट और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब इसी पर प्लैंक ने अपना फोटोन हाइपोथेसिस दिया। According to Planck, emission of radiation is not continuous but take place in the form of a small bundle or packet of energy which are called quanta. Later on, these bundles are called photons. Planck ने बताया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं रेडिएशन के थ्रू, जो अभी एक्सपेरिमेंट में लिनार्ड्स के एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया, एक्चुअली ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये बंडल्स या पैकेट्स, एनर्जी के बंडल्स या पैकेट्स के रूप में निकलते हैं। हर एक बंडल या पैकेट को क्वांटा कहेंगे और बाद में इसी क्वांटा को फोटोन कहा गया, एक क्वांटा को एक फोटोन कहा गया। तो जैसे एक बंडल है तो एच न्यू यानी एक क्वांटा, दो बंडल है तो टू एच न्यू यानी दो क्वांटा, इस तरह से नाम दिया गया, जहाँ एच आपका प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप क्लास इलेवंथ में ही पढ़ चुके हैं, 6.67 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइंस्टीन ने फिर लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट को लिया और इसी को आगे की तरफ प्रोसीड किया। उन्होंने बताया कि जो हम एनर्जी काउंट कर रहे हैं, जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी एक फोटॉन के साथ, वो रेडिएशन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए लाइट रेज आप फाल करा रहे हैं मेटल प्लेट पे, तो लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी पहले कुछ है जिस पर एनर्जी नहीं मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है लाइट की, ठीक है, करंट की। फिर जैसे जैसे आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आती है जिस पे अब रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये लाइट रेज जो फॉल करा रहे होंगे उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे, यानी रेडिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए न्यू तक कराया गया एक्सपेरिमेंट, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, तो हमने यहाँ एक स्लोप बना लिया। तो अब इसी लाइन को जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है ये लीनियरली बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाएंगे हम, लाइट की रेडिएशन लीनियरली होता चला जाएगा। इसी को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो ये जो कंडीशन आई है ये वर्क डन आता है, यानी वर्क फंक्शन आ जाता है। ये हमने पढ़ा है पहले ही, ये न्यू नॉट से कम की फ्रीक्वेंसी पे, जितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई तो न्यू नॉट से जितनी कम फ्रीक्वेंसी थी बढ़ाते गए थे, उसमें जो वर्क करना पड़ा वर्क फंक्शन हो गया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन का सम आता है यही एक फोटोन होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क फंक्शन आया वही एक फोटोन से एसोसिएटेड टोटल एनर्जी हो गई। और हमने पढ़ा है टोटल एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है एक फोटोन की, दैट मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस
kinetic energy of that photon, that means kinetic energy of that photon is equal to h nu minus work function. अब अगर ये न्यू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे लाते हैं मिनिमम पे, तो मिनिमम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. वैल्यू पुट कर दें तो एच न्यू नॉट किसके बराबर आ जाएगा, वर्क फंक्शन के बराबर, क्योंकि ये जीरो हो गया तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा, यानी वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. यही वर्क फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आ जाता है, जिसमें से एच कॉमन किया तो इस कंडीशन में ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे, यानी फोटोन इमिट हो रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन से इमिट हो रहे होंगे. ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनेगा आपका. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो ई के होता है वो होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जो कि बराबर आया है एच न्यू माइनस न्यू नॉट के, ठीक है. अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना बंद हो जाते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट रैपिडली ज़ीरो हो जाता था. तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होना बंद हो गए तो काइनेटिक एनर्जी ई न्यू नॉट के बराबर होना चाहिए, देन ई न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इस कंडीशन में होना चाहिए. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू नॉट इज इक्वल टू एच ई अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी हम फार्मूला ले सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए. अदरवाइज जो आइंस्टीन का इक्वेशन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, जहाँ न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा, न्यू नॉट की वैल्यू सी बाई लैम्डा नॉट लिया जा सकता है. तो इस तरह से दो इक्वेशन हमें मिलते हैं आइंस्टीन के, एक तो फोटोन की एनर्जी के लिए मिलता है, और आप ये जानते हैं कि फोटोन में एनर्जी है, ये एनर्जी के बंडल्स हैं तो इनमें मास होंगे, तो मास के लिए हमें आइंस्टीन का इक्वेशन मिलता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. दोनों ही क्या है, पार्टिकल की एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जीज हैं, तो दोनों को हमने इक्वल किया है, जिससे मास इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर, यानी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. इसका यूज़ आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. मोमेंटम फोटोन का कितना होगा, एम इंटू वी मोमेंटम, अगर वी वेलोसिटी के साथ वो मोशन में है तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, जहाँ एम फोटोन का मास होगा. ये जो इक्वेशन हमें मिला था यहाँ से हम एम निकाल लेंगे, एम हमने निकाला है, न्यू की वैल्यू देखिएगा एच न्यू बाई सी स्क्वायर, न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा पुट कर दिया है तो एच अपॉन सी लैम्डा आ गया है. यही मास की वैल्यू एच अपॉन सी लैम्डा यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी अगर लाइट की स्पीड के बराबर है फोटोन की तो सी और सी कैंसिल हो जाता है, तो मोमेंटम आ जाता है एच अपॉन लैम्डा, ठीक है. मोमेंटम आ जाता है एच अपॉन लैम्डा, याद रखिएगा, ठीक है. और लैम्डा यू नो दैट कि सी बाई न्यू होता है, तो एच न्यू बाई सी भी लिख सकते हैं, यानी एच अपॉन लैम्डा आपका मोमेंटम हो जाएगा फोटोन का.